अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा देखिनबा कोन रहछि वर्तमान रा हेडलाइन्स राज्य में 24 घंटा रे 3664 नुआ पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन रु 2123 लोकल केस 1537 खोर्धारु सर्वाधिक 704 सुंदरगढ़ 340 नुआपड़ा 221 और दुई मुंडरेला महामारी देश में कोरोना कह 24 घंटा रे 1495 संक्रमित मृत्यु मृत्यु संख्या 1,77,150 को वृद्धि सेपटे 2,60,000 ऊर्ध नुआ पॉजिटिव चिन्हट कोरापुट एसपी नेतृत्व में जयपुर सबजेल पुलिस चढ़ऊ जयपुर बरिकुमा एसडीपीओ विभिन्न थाना आईआईसी उपस्थित जयपुर उपजिलापा रेड सामिल जेल रे तनाघना 10 सीमांत जिले में सप्ताहांत शटडाउन द्वितीय दिन कड़ाकड़ी पालन नियम विभिन्न स्थान में पुलिस कड़ा चेकिंग 10 जिले में संध्या 6 सका 5 जाए कर्फ्यू बाकी 20 जिले में राति 9 सका 5 जाए घर बाहर कटक टांगी थाना सफा ग्राम से अघटन निया लागि रास्तार दौड़ा बेले जन युवक उद्धार गुरुतर अवस्था बड़ मेडिका स्थानातर निया लगार कारण अस्पष्ट पुलिस तदंत जारी गैंगस्टर हायदर फेरार षड्यंत्र मामला आउ तीन जन को गिरफ्त कला मंगलाबाग थाना पुलिस गिरफ्त मध्य जड़े युवती सामिल एजाए मोट 6 जन को गिरफ्त 40 वर्षर समस्या समाधान नहीं बढ़ला आस्था अनुकूल चाषी को सहाय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चकपती व्यवस्था या अवहेला को सुधार को मुख्यमंत्री को लिखले चिठी जमी मालिकाना पाइबा आशे 92 मौजार हजार हजार चाषी एवं आईपीएल महासमारोह हैदराबाद को मात देला मुंबई 137 रन रे अलआउट हला हैदराबाद टूर्नामेंट रे द्वितीय विजय हासिल कला रोहित पाटिल राज्य में 4,000 मुहा दैनिक संक्रमण गत 24 घंटा रे 3,664 संक्रमित चिन्हट खोर्धा जिलूार 704 संक्रमित चिन्हट सुंदरगढ़ जिलूार 340 और कलाहांडी 324 संक्रमित 5 जिले में संक्रमितों संख्या 100 ऊपर रही 9 जिले में संक्रमितों संख्या 50 ऊपर रही 17 जिले में 27,242 संक्रमित चिन्हट सेपटे राज्य में आज आउ दुई मुंड नहीं कोरोना महामारी सुंदरगढ़ और बरगढ़ जिलूार जड़े लेखाएं मृत मोट मृत्यु संख्या 1,944 को वृद्धि पाई सारा देश में कोरोना कह 24 घंटा रे 1,495 संक्रमित मृत्यु घटी देश में कोरोना संक्रमित मृत्यु संख्या 1,77,150 को वृद्धि पाई से 24 घंटा रे आउ 2,60,000 ऊर्ध आक्रांत चिन्हट होती वर्तमान देश में 18,01,136 आक्टिव केस रही 1,28,09,000 643 जन संक्रमण सुस्थ हेले दिल्ली में गत 24 घंटा मध्य 24,000 संक्रमण मामला चिन्हट हो पॉजिटिव हार 24% टपि जाए जबत देश में 12,26,22,590 डोज टीकाकरण हो दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल ए संपर्क में आलोचना पर सहित जोड़ी गगन जदि कह सारा देश में वर्तमान स्थिति कोटाकोटी सांघातिक होदि कह गत 24 घंटा 1,495 संक्रमित मृत्यु होगा तेज कोटनाकोटी संक्रमित संख्या जो मात्र बढ़ुच्च मृत्यु संख्या से हार में बढ़ुच्छे कौन सब व्यवस्था कर देखो निश्चित भाव कही रखा चाहे निवेदिता बर्तन जो भाव में प्रतिदिन देखिए 2,00,000 जिते प्रथम दिन केस आसला से लोक मन में बहुत भय बढ़ी जाइए खास कर सरकार चिंता वृद्धि लगुच्छे पर डे जी केसेस देखिए 30% 40% केस प्रतिदिन वृद्धि लगी विभिन्न राज्य कथा जी आम कह भाव जब टोटाल कथा कह 2,61,000 बर्तन क्रस कर प्रतिदिन कोरोना निज रेकर्ड निजे ही भांगी भांगी चली प्रतिदिन जी आम कह आक्रांत संख्या वृद्धि होगा लगुच आज 2,61,000 पूर्व जी कह 2,00,000 रु 2,61,000 हाई मात्र तीन दिन भितर 60,000 संक्रमित संख्या आहरी वृद्धि होगा लगी पर डे केसेस हिसाब से तेणु प्रतिदिन जो देखिए आज 2,61,000 होती मानते कल निश्चित भाव आशा करा जो परिमाण में
रेसियो हिसाब से जो बढ़ुची तेना हुए तो आसंता का 270-280 पर्यंत केसेस जाई पारे तेना याकु नै कि आज यदि दिन तमाम कहबे अनेक राज्य गुरुत्वपूर्ण बैठक रही दिल्ली कथा मुझे रखा चाहे आउ कि समय पर गत काली बैठक रखी थे केजरीवाल उपराज्यपाल सहित विभिन्न अधिकारी सहित तेणु दिन 12 से एक प्रेस ब्रिफिंग रखे जो कर्फ्यू लगी रही बर्तमान दिल्ली दिल्ली में गत काली कर्फ्यू थी आज कर्फ्यू रही केवल लोक मैंने जो मैंने इमरजेन्सी काम रही ही अनुमति मिलू मार्केट बजार दुकान सब बंद रही तेणु सी एक प्रेस बार्ता देते 12 गोटे रिक्वेस्ट कर जो मैंने कुंभ मेलू रिसेंट आसी उत्तराखंड जेहतु कुंभ मेलार अनेक सोशल डिस्टेंस नाला लोक मैंने मास्क पिंधु नाते तेणु साधु सत मान से गोटे रिक्वेस्ट कर जो जात्री मैंने जाते हैं निजक क्वारेटाइन रखु प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ अनेक राज्य दिल्ली कहतु ओडा कहतु कर्नाटक कहतु आंध्र प्रदेश कहतु महाराष्ट्र कहतु अनेक राज्य में बर्तमान कर्फ्यू जारी रही आज जो वाराणसी क्षेत्र रही प्रधानमंत्री निजे 11 वाराणसी निजर जो संसदीय क्षेत्र रही रिव्यू करेंगे कौन सिचुएशन रही कहीं दिल्ली में देखिए जो परिमाण में केसेस बढ़ी चलती तेणु पड़ोसी राज्य उत्तराखंड कथा कहतु उत्तर प्रदेश कथा कहतु उत्तर प्रदेश में प्रथम थर पर 1 लाख रु अधिक संक्रमित संख्या एक्टिव केस रही जिते प्रथम लहर आसला से अनेक समय रे प्रधानमंत्री विभिन्न बैठक में योगी आदित्यनाथ का एग्जांपल दिखती योगी आदित्यनाथ जो ढंग से कोरोना को लड़े करा निश्चित भाव साधुवाद दवा कथा कि कौटना कौटि द्वितीय लहर में ता बर्तमान फिका पड़ी यूपी रेसे संख्या बहुत वृद्धि होगा लगी तेणु याकु नहीं उभय केन्द्र कहतु योगी आदित्यनाथ कहतु से निजे कोरोना अफेक्टेड बर्तमान योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से निजे क्वारेटाइन रही तेनाली स्थित में वाराणसी कौन स्थित रही निज संसदीय क्षेत्र स्थिति जाना आज प्रधानमंत्री एक गुरुत्वपूर्ण बैठक करेंगे और यह बैठक 11 अनुषित हो तेनाली भाव में सब राज्य सब जिलार स्थिति बर्तमान बिगड़ा लगी खास कर दिल्ली में बर्तमान कह हजारु अधिक कंटेनमेंट जोन बर्तमान जारी रही 24,000 केस बर्तमान प्रतिदिन आसी गत काली जी कह 19,000 केस आसला आज 24,000 5,000 केस गोटे दिन में वृद्धि होती तेनाली भाव में सब राज्य में बर्तमान स्थिति बिगड़ा लगी खास कर जो ट्रेन रे यात्री गुड़क आसभ भाव ओडिशा सरकार आरटीपीसीआर टेस्ट को बाध्यतामूलक कर गुजरात सरकार तेनाली अनेक राज्य आपणे उचित बोली अनेक विशेषज्ञ मैंने मत दौरान कहीं दिल्ली को यदि कहे प्रतिदिन सबू राज्य ट्रेन संजोग रही एयरपोर्ट संजोग रही कितने मात्र यात्री आसने कौ डिस्ट्रिक्ट आसते कंटेनमेंट जोन थी कि ना ये सब कौटना कौटे ट्रेसिंग कराफल हूं तो दिल्ली स्थिति बिगड़ा लगी तेणु ये सब भितर कि रखुच्च प्रेस वार्ता कौन डाटा रखुच्च जो प्रस्ताव देते व्यवसायी संघ 15 दिल्ली में लॉकडाउन जारी कराऊ केजरीवाल किभली भाव विचार को नहीं निश्चित भाव 12 किसी गुरुत्वपूर्ण कथ निश्चित भाव रखे केजरीवाल अपेक्षा रहा भाव गगन जे केजरीवाल आउ जो बैठक रखिए कौन प्रकृत आलोचना होपर नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सहित तो इस संपर्क में आलोचना कर परवर्ती खबर को जयपुर उपकारगर पुलिस चढ़ऊ अचानक कोरापुट एसपी नेतृत्व में चढ़ऊ जारी रही वर्तमान सुधा किसी मोबाइल मिलता सूचना मिली हेले जेल परिसर एत सुरक्षा मध्य किपर फोन गला से नहीं प्रश्न उठिता बेले आउ कौन सब सामग्री मिली स्पष्ट सूचना मिल पारिना चढ़ऊ में एसपी वरुण गुंठपाली अतिरिक्त एसपी उत्कल रंजन दास जयपुर एसडीपीओ अरूप अभिषेक बेहरा बोरिकुमा एसडीपीओ हरिकृष्ण माझी जयपुर उपजिलापाल हेमंत हेमकांत साईं समेत जयपुर टाउन सदर बोईपारिगुरा कुंदुरा थाना अधिकारी प्रमुख सामिल होती इस संपर्क में आलोचना पर आम सहित तो कोरापुट जयपुर प्रतिनिधि किरण रंजनी दास आम सहित तो जोड़ किरण थाना परिसर को अर्थात जेल परिसर को मोबाइल जाऊँगी केमी आज चढ़ऊ कर प्रकृत में वर्तमान सुधा ये चढ़ऊ फल कौन कौन सब हस्तगत हो पूरा घटना कौन आपण जानवाक चाहबू किरण निश्चित भाव में निवेदिता जो प्रकार चढ़ाव गोटे प्रकार रेड चलता जमीती कि एसपी निर्देश क्रमे गोटे एसपी एवं उपजिलापा निर्देश क्रमे रेड जयपुर उपकारखाना को रेड कर रेड समय दीर्घ 5 घंटा धरिकी रेड कर 5 घंटा पर एसपी जो प्रकार मतामत आमको मतामत दौले कि गोटे मोबाइल गोटे पेनड्राइव एवं लुहा आउ जिम सामग्री सहित
ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଜେଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଜିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ କଥା କହିବା, ଯଦି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଥା କହିବା, ମୋବାଇଲ କିପରି ଗଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଜେଲ ପରିସରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସିସିଟିଭି ବଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜେଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜେଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯଦି କହିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେଲର ରହିଛନ୍ତି, ଲଲାଟନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବେଷ୍ଟ ଜେଲର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ଅବହେଳା କିପରି, ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ କିପରି କଏଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ଫୋନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁଛି, ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଚଲେଇବା ସହିତ ବାହାରୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜେଇର କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପରଭାଇଜ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଜେଲ ଭିତରେ ନେଇକି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲା ଏବଂ ସେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭରେ କଣ କଣ ଖବର ରହିଛି ଏବଂ କଣ କଣ ତଥ୍ୟ ନେଇଛି ତାହା ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। ଏବଂ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭରେ କଣ ଏପରି ଡାଟା ରହିଛି ଯେ କଏଦୀ ତା ପାଖରେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ କହିବା, ଯଦି 6,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ଦାମ ରହିଛି ଏବଂ 7ଟା ନା 8ଟା ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡରର ଡବା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିବେଦିତା, ତେବେ କିରଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ କେମିତି ଆସିଲା, ମୋବାଇଲ୍ କେମିତି ଆସିଲା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର କେମିତି ଆସିଲା, ଯଦି କହିବା ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଜେଲର୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯାହାଠାରୁ ଏସବୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସେ ଜଣେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିରଣ ଯେ କୋରାପୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମାନେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଜେଲ୍ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଜେଲର୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କର ଏକ ହବ୍ କରିଡର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରକୁ ନେଇକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବର ପ୍ରଚାରଣ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଜେଲର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଚଲେଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଲଲାଟନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ପରେ ହିଁ ସେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କି ଜେଲ୍ ଭିତରେ କଏଦୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜେଲର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ନୁହେଁ, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ମିଳୁଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ମିଳୁଛି, ଜିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେଠାରେ ରଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କଏଦୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜେଲର୍ଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସ, ଆମ ଜୟପୁର ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସୀମାନ୍ତ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଗତକାଲିଠାରୁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା 10 ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୱିକେଣ୍ଡ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଇକାର୍ଡ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଦେଖାଇବେ। ସେହିଭଳି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 10 ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଭୋର 5ଟା ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାର ପରିସରକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିଓସ୍କ, ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଉଭୟ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ ଏସ୍ଓପିକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଭକ୍ତମାନେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା
ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଓ ନିୟମକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଓସ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। परवर्ती खबर को राज्य सरकार को निर्देश अनुसार गजपति जिलार पारलाखीमुंडी पौराचल और काशीनगर में रात्रिकालीन कर्फ्यू कर जिला सदर महकुमा पारलाखीमुंडी में राति 9 आरंभ हो सका 5 जाए कटक तेज जिलार विभिन्न पुलिस अधिकारी समेत पारलाखीमुंडी थाना अधिकारी गजपति एसपी सहर में पेट्रोलींग करते डाकबाजी जंत्र जोगे सहर विभिन्न छक ओ गली कंदी रे लोकों को सचेतन करबा सह कर्फ्यूर नियम विषय रे बुझाइछंती। विशेषकर अमानिया को दंड देबा सह कर्फ्यू समय रे लोकों को चलप्रचल और जानवाहन गुड़िक रे तलाशी और पचरा उचरा जोर करिछि पुलिस। कोविड को जो संक्रमण द्रुत हार रे बढ़ी चली दृष्टि रखिकी आमर कर्फ्यू इम्प्लीमेंट कर समय लोक मैंने के ही बाहर को बाहर ना एवं दुकान बजार बंद रही लोक जदि तार आवश्यकता पड़ू अत्य आवश्यक पड़ू जथा स्वास्थ्य सेवाई कौन सी इमरजेन्सी भैलीड ग्राउंड से आवश्यकता अच्छी जीवाई तो जीवाई अनुमति दौ कटक जिला टांगी थाना अंतर्गत सफा ग्राम रे अघटन जन युवक ज्वलता अवस्था रास्तार दौड़ा बेले स्थानीय लोकों द्वारा उद्धार होती युवक जनक उद्धार कर टांगी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर अवस्था गुरुतर होटू कटक बड़ मेडिका स्थानातर कर तेज युवक जनक परिचय मिलनवा बेले युवक जनक देहरे निआ लगी सफा ग्राम किसी युवक देखा पाई तुरंत युवक जनक एपरी अवस्था देख स्थानीय लोके आंबुलांस को खबर देते सब आश्चर्य कथा युवक जनक देहरे निआ लगी 40% पोड़ जाते निजे रास्त दौड़ा अंचलवासी को चकित कर तेज युवक देहरे निआ केमी लगला एभली अवस्था किपर तहार कारण जमापड़ना सर्वसाधारण दर्शन पर खोलला बाबा आखंडमणि आरड़ी पीठ आखंडमणि मंदिर में गत गुरुवार जड़े सेवायत कोरोना पॉजिट पर प्रशासन पक्ष भक्तों दर्शन को बंद कर मंदिर को सानिटाइज पर 60 घंटा पर मंदिर बंद रखि पर सर्वसाधारण दर्शन पर मंदिर खोली दि जाए प्रशासन परामर्श अनुजाई मंदिर समस्त सेवायत कोविड टेस्ट कर गत शुक्रवार प्रथम पर्यायर 92 जन और शनिवार 150 जन मोट 242 जन सेवायत कोविड परीक्षा कर स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र पक्ष सूचना मिली पिपिली उपनिर्वाचन घोषणा है सानी तारीख आसंता मे 13 तारीख में पड़े पिपिली उपनिर्वाचन भोट सीओ सुशील कुमार लोहानी एने सूचना देते पिपिली विधायक प्रदीप महारथी देहांत पर पिपिली में उपनिर्वाचन होगा प्रथम एप्रिल 17 तारीख धार्य होता है कांग्रेस विधायक प्रार्थी अजित मंगराज करोन आक्रांत हो प्राण हर उपनिर्वाचन को स्थगित घोषणा करवाचन नहीं सानी तारीख घोषणा कर पिपिली उपनिर्वाचन कांग्रेस ही केवल नुआ प्रार्थी देव अजित मंगराज बदल में दल क्या टिकेट दौरे नजर रहा तेज बीजेडी पक्ष रुद्र महारथी और बीजेपी पक्ष आश्रित पटनायक मैदान को लाई देश में कोरोना स्थिति भयंकर होता बेले स्थिति समीक्षा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना स्थिति और विभिन्न राज्य में टीकाकरण किभली चली आग को केमिति से नहीं पुंगानुपुंख आलोचना करिछंती प्रधानमंत्री इस समीक्षा बैठक में विभिन्न विभाग मंत्री और वरिष्ठ अफिसर उपस्थित रही थे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 11 राज्यर स्वास्थ्य मंत्री कोरोना स्थिति नहीं आलोचना करते डॉन को कोरोना पुणी हॉस्पिटल जाई फरे हैदर
सेपटे तदंतरे विलंब मुख्य षड़यंत्रकारीको पई आनिपारे सुजोग सात दिन पई हायदर को रिमांड रे नैथांता कमिश्नरेट पुलिस तदंत विलंब को नै प्रश्न उठाइले आईएनजीबी डॉन को कोरोना पुणी हॉस्पिटल जीवो की गैंगस्टर गैंगस्टर हायदर रिपोर्ट पॉजिटिव रिमांड पूर्वरु रिपोर्ट देला टेंशन यार भितरे खसी जीवा को समय मिलि जीवो की मुख्य षड़यंत्रकारीको फेरार षड़यंत्र तदंत उपरे लागिला ब्रेक रिमांड को स्थगित रखिला कमिशनरेट पुलिस एवं आइसोलेशन रे हायदर सात दिन पाई हायदर को रिमांड रे नै थांता कमिशनरेट पुलिस किंतु बाटरे आसी गला कोरोना एवं 14 जेल रो आइसोलेशन सेल रे रहिबो हायदर एवं जेल कर्तृपक्ष चाहिले हायदर को हॉस्पिटल रे भर्ती करि परिबे शुक्रवार राति रे हायदर को जेल पठा जिबा परे से पॉजिटिव थिबा जणा पडिथिला काली रिमांड पई प्रे करा जायथिला सात दिनिया रिमांड हमकु मिलथिला परंतु परे जणा पडिला जेबे जेल को राति रखा जायथिला जणा पडिला कि हायदर पॉजिटिव अछि एबे कोविड रे जो ट्रीटमेंट चालू छि से आइसोलेशन रखा जाय छि जेल रे से माने तम केयर टेकिंग करिवे और आमे पुणी मजिस्ट्रेट को प्रे करिवु देखन तो आपन तो सुनी थिवे जे हायदर कोविड पॉजिटिव हेई छि तनु कोविड पॉजिटिव हेले आपन जानि छथि तार रेस्ट्रिक्शन कोन तनु सेही रेस्ट्रिक्शन पई हमकु निश्चित स्लो हे जेबा को पड़ि छि हायदर को पचरा उचरा करिबारे विलंब को नै प्रश्न उठाइछंती आईएनजीबी एबे गैंगस्टर को पचरा उचरा करबा को हेले पुलिस को पूरी थरे कोर्ट रे आवेदन करबा को पड़िबो पुलिस को ए संपर्क रे कटक सिटी जेएमएफसी अदालत को जणाइबा को हेबो एबे तदंत प्रक्रिया रे विलंब हेबा उचित नहे फल रे षड्यंत्र पछरे थिबा बड़ हाथ फसी जाई पारे बर्तन ताकु सात दिन पई बा चौदह दिन पई टाळी दिया गला बर्तन किंतु गोटे कथा कह पारे जे एई परिस्थिति मध्ये इन्वेस्टिगेशन हेई परिबो किछ असुविधा नाही मो मतरे इन्वेस्टिगेशन बंद न करिकि बरं त पचरा पचरी कले बेटर हबो कारण जो एते बड़ जो षड्यंत्र होइछि से षड्यंत्र मुखा खोलिया पई तुरंत एग्जामिनेशन ताकु दरकार ताहाले हुए तो किछ परिमाण सत बाहर को आसिबो फरार करिबारे मुख्य भूमिका नैथिबा आठ जणक भितरु तीन गिरफ अन्य पांच जणक खूब शीघ्र पचरा उचरा करिबो पुलिस किंतु ए सब भितरे जेल डीजी संतोष उपाध्याय मुह खोलु नहंती कटकरु विश्वजीत दास के रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय सरिछि बुलेटिन को एड सरछु नमस्कार।